बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे गुड़ और पीनट की चिक्की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, जो कि हमने लिया है एक प्याली। गुड़ को हमने मोटा मोटा कूट लिया है और पीनट हमने ली है आधी प्याली। एक पैन लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें गुड़ डालेंगे और उसे मेल्ट करेंगे। हम गुड़ को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। गुड़ में हम 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे और उसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। गुड़ में जितनी भी गुठलियाँ हैं हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए, गुड़ हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है। इसे हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। देखिए, गुड़ में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पर हम इसमें पीनट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। एक ट्रे ले लेंगे या बड़ी सी कोई थाली ले लेंगे और इसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीनट और गुड़ की चिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर ये अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह सेट करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह सेट कर लिया है। इसे हम ठंडा करेंगे। दो से तीन मिनट ठंडा करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे स्क्वायर शेप में। इसे हमने कटिंग कर लिया है। अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार गुड़ और पीनट की चिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। इसकी क्रंचीनेस आप देख सकते हैं इसकी साउंड से।